my way. समान कढ़ना है अपना, समान क्या कढ़ना है अपना, समीत ए समीत पे ए समीत पे एक कोकोनट पे तलाज दे बैठे, ठंडा है ठंडा बर्फ, हाथ पे ठंडा हो रहा है, धुआं नहीं आ रहा बस। माशाल्लाह जी ऐसा क्या नज़ारा आ रहा है खूबसूरत, रोड का जबरदस्त आ रहा है ना। किधर गया रोड, गुम हो गया ना। एक मार्केट पे है सामान उतारने के लिए, बज रहे हैं रात के 8। अभी मैं काम से वापस आया, आके सो गया, असर के बाद आया तकरीबन 4:30 बजे आके सो गया। अभी नहा के अभी खाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया अभी तक कुछ नहीं किया, अभी जाके खाना खाते हैं फिर आप लोगों से गपशप आके लगाते हैं इंशाल्लाह। बाहर का कुछ ऐसा है नज़ारा, इधर का नज़ारा समझो, जो भी समझो ऐसा है। बस ये सामान पड़े हैं बाहर, इधर से भेजते हैं, अंदर भेजते हैं, भेजते हैं, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, जो भी ज़रूरत होता है वो अंदर रख देते हैं, जो भी कस्टमर आता है उसको दे देते हैं। फिर इधर पापड़ टिक्कियाँ की दुकान है, इधर बोलते हैं हलवियात, हलवियात की ये दुकान है। सामान उतार रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ये बस भर रहे हैं। ये सामने में होटल है, उस पर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। ये रोड है, मैं क्रॉस कर गया। इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं। ये भी रात का कुछ ऐसा माहौल है इधर का। अभी मैं जाऊँगा इस मत इंशाल्लाह, रोटी खा के ना फिर आप लोगों से आके मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी 2 दिन से गले ख़राब थे ना, इसलिए चाय पी रहा हूँ गर्म गर्म, क्योंकि चाय गले ख़राब थे इसलिए, ख़राब होने की वजह से चाय पिएंगे ना थोड़ा सुकून आ जाएगा। नैना नैना अदरक और लेमन डाल के पी रहा हूँ, क्योंकि ये गला ख़राब है ना, उसके लिए ठीक है थोड़ा। एक नई मतलब में हम लोग उस पर खाना खाने के लिए आए, ये कुछ ऐसा मतलब नहीं, बस मैं काफ़ी है, शर्म मत करो ना। ये मेरा मुदीर है, ये जद्दा से आया है, मुदीर है ना मेरा, ये मेरा मुदीर है। ये यमनी मताम है, इतना बड़ा रोटी आएगा, अभी दिखाऊंगा आपको मैं। यानी मियां सबर जिंदा ए वैसे ज़ेरा इतना दिन किबदा ए शगशुगा अंडा इतना दिन शगशुगा इंशाल्लाह उन खाने ये रोटी हमर दे रोटी दे अंदर ये देखो 7 इंच का रोटी है पूरा, एक नहीं है 3 रोटी है। शेल फतेरा बड़ा रोटी है ये, इंशाल्लाह खाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। वेलकम टू बैक मार्केट, अभी हम लोग मार्केट में पहुँचे हैं, अभी थोड़ा सा सामान खरीदना है। अभी मैं आया हूँ ये मरई का एक असीर लेना है, बर्त काल वाला, किधर है बर्त काल, बर्त यानी क्या बोलते हैं माल्टा वाला, मंगा वाला ये है, ये लेना है असीर एक, और दूसरा क्या लेना है, ये है अमरूद वाला, देखा ये अमरूद का निशान है ऊपर, इधर बोलते हैं जवाफा, ये लेमन वाला, ये मुशक्कल तूत, जिस कंपनी में काम किया है वो ये है नादिक, इसमें कंपनी में काम किया, वो ज़बरदस्त जूस पीता था उधर, मैं भी इंशाल्लाह हमने बहुत काम किया उधर, फिर छोड़ दिया, फिर इस कंपनी में आ गया।
इसके बाद लेना है जी शोरा, ये तो पास्ता वगैरह होगा उनके। इधर जैत है पूरा। अभी आए हुए हैं हम लोग आजा मॉल पे। ये देखो माशाल्लाह, ये चावलों के साथ लाइट लगा जाए, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आज देखते हैं शैम्पो पे कोई है प्रमोशन। नहीं है शैम्पो पे, बेबी ड्राई पे भी नहीं है, कपड़ों पे भी नहीं है, पूरा चीज़ मिलता है इस मार्केट पे, खाने से लेकर पीने तक, पीने से लेकर नहाने तक, नहाने से लेकर खेलने तक। यह है नहाने वाला सरफ, सरफ यह है शैम्पो, वो भी कपड़े धोने वाला, 18 रियाल को दो। ये मना दी क्या बोलते हैं इसको पाकिस्तान में, या टिश्यू पेपर, 23 रियाल का पूरा बंडल ऐसे वाला, 23 रियाल का। कितना हब्बा है अंदर, 5 5 10 10 मना दिल नहीं है, 10 में से मना दिल ज़्यादा होगा। ये माशाल्लाह इसका भी सही है, 47 रियाल का दो हब्बा, ये ज़बरदस्त है, एक नंबर है। ये है 46 रियाल पे, यानी 47 रियाल पे, 47 रियाल पे लड़का ने सामान ले लिया। अभी चावल देखने जा रहा है, चावल कहाँ पे पड़ा, वो चावल लेना है। सफ़ेद चावल होते जैसे हमारे पास होता है ना, कच्ची कच्ची बांस पर, इधर सफ़ेद बोलते हैं, वो वाला चावल लेना है। अगर होगा तो लेके आएगा, तो फिर लेके चलते हैं। इधर बना हुआ है टेंट, बाहर बैठने के लिए सस्ता है वल्ला, 80 और 5 रियाल पे, महंगा भी नहीं है। ये देखो टेंट दिखा दूँ आप लोगों, जो आजकल यूट्यूबरों की बड़ी ख्वाहिश है बाहर जाके कैंप लगाने का। ऊपर लगा हुआ है देखो 200 रियाल पे, 5 रियाल कम 200 रियाल में। सिर्फ ये टेंट है, इसके अलावा और चीज़ आप लोगों को ख़रीदना पड़ेगा अलहदा। ये ट्रैवल के लिए होता है, जो आदमी बाहर ट्रैवल करने जाता है। ये चूल्हा है छोटा ट्रैवल करने के लिए, ये सिलेंडर, ये भी बाहर कुकिंग करने के लिए। माशाल्लाह कुर्सी भी पड़ा हुआ है, फोल्ड ओवर है पूरा, इसका बाहर जाके आप लोग कुकिंग कर सकते हैं। ये स्विमिंग पूल के लिए, नहाने के लिए बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए पूरा नहाने के लिए। ये कुर्सी है पूरा बैठने के लिए, कुर्सी बड़ा महंगा है, 300 रियाल का। बस ये टेंट सस्ता है, अच्छा है, टेंट दिखाता हूँ आप लोगों को। हवा से भी नहीं उड़ेगा, वजनी है, नीचे इधर उधर बांधने का भी जगह बना हुआ है। ये कुकिंग करने के लिए है बाहर चूल्हा। अभी चलते हैं दूसरे की तरफ, वो दिखाते हैं आप लोगों को। अभी ये आया है कुकिंग का सेटअप, ये चावल पड़ा हुआ, चावल कितना चूल्हा चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। ये सस्ता है बिल्कुल, यानी पाकिस्तानी ऐसा समझो 1 लाख का, बस सस्ता है, पाकिस्तानी समझो 1 लाख का। इधर का 17 1/2 रियाल, इसके ऊपर पतीला वतीला नहीं है, बस ऐसा है पूरा सेटअप बना के दिया पूरा। यह है अंदर में ये पानी पड़ा है पूरा, पाकिस्तान का ये सामान लगा रहा है।
जाते हुए बाइक वाले नजर आए, इसलिए थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये टूरिस्ट हैं, बाहर से आए हुए हैं, मुमकिन ऐसे लग रहा है। थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ बना के शेयर कर दी है, देखो आप लोगों को अच्छी लगे। वेलकम बैक टू मार्केट। अभी हम लोग मार्केट में पहुंचा हूं और मैंने बाद में याद किया आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाता हूं मार्केट के बारे में। आज ये दूसरा कंपनी में मैं काम कर रहा था, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बना के दिखाया। पहले इसमें करता है बहुत कम करता हूं आज, इसलिए इधर काम था थोड़ा ज़्यादा। मैंने बोला आज आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करता हूँ, ये बस मैंने जल्दी जल्दी और टाइम लगाया हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। क्योंकि टाइम थोड़ा था मेरे पास, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी मज़े मज़े की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।